हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू व्याख्या वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जेईई बी एड 2018 का जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो क्या है, अब बढ़ा दी गई है, ठीक है, एक्सटेंड कर दी गई है जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। तो वो जो लास्ट डेट है वो अब 23 मार्च हो चुकी है। पहले जो थी डेट, जो लास्ट डेट थी वो 15 मार्च थी, यानी कि कल थी, ठीक है, और आज क्या है, 16 मार्च है, ठीक है। तो अब जो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो वो आप कर सकते हो 23 मार्च तक, ठीक है। तो इसकी डिटेल हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ, और आप कहाँ से देख सकते हो और कहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो जो भी नया व्यूवर्स है हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। आपको रेड बटन दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, तो उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पे रेड बटन बटन दिख रहा होगा, ठीक है, जिस पे आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उस पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो नए जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आपको वीडियो के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जेई बी एड एडमिशन जो 2018 से 2020 के लिए जो एक एग्ज़ाम होता है जेईई, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बी एड के लिए, ठीक है, उसे आपको पहले पास करना होता है, फिर आपकी उसमें रैंक आती है, मार्क्स आते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं और आपकी काउंसलिंग होती है, वहाँ पर आप कॉलेज को अपना फिल करते हो, ठीक है, चॉइस फिलिंग होती है, एंड उसके बाद आपकी किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है बी एड के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका बी एड का जो कोर्स है वो भी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपका बी एड में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप बी एड का जो कोर्स आप जानना चाहते हो, चौधरी चरण सिंह अगर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो तो, या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, उसमें ज़्यादातर लगभग सेम ही होता है, तो यहाँ पे आप बी एड पर क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, एंड वहाँ का जो भी डिटेल्स है वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। इन इन सभी के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जहाँ से आपको सारी चीज़ें आसानी से पता लग जाएंगी। तो यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीएड का जो भी आपके लिए रिजल्ट होगा, ठीक है, जो भी आपका बीएड का फर्स्ट ईयर रिजल्ट या जो भी आएगा आगे, तो उसके लिए आप यहाँ से सीधा देख सकते हो, एंड यूपी टेट की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो नई नई मिलती हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह मेरठ से है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, एंड जो आपका चौधरी चरण सिंह की बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद आके देख सकते हो, इनके लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो चलिए हम दोबारा से उसी पर आते हैं, ठीक है, जिसकी हम बात कर देते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डेट है एडमिशन फिल करने की, वो फॉर्म फिल करने की, वो आपकी द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई बी एड 2018 हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 15 मार्च 2018 टू 23 मार्च 2018, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जो रजिस्ट्रेशन जो अब क्लोज होगा वो 23 मार्च को होगा, और जो लास्ट डेट होगी आपकी फ़ीस पेमेंट की, ठीक है, वो आपकी 24 मार्च की हो है लास्ट डेट, और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका 11 अप्रैल 2018 को है, ठीक है। और ये जो लिंक दे रखा है यहाँ पे, आप यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आपकी जेई बी एड के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा रही है, ठीक है, तो वहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हैं, एंड ये आपको इंस्ट्रक्शन और जो भी चीज़ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी गई है इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड आपका जो इसके अंदर यूपी बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो भी मैंने इसी वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपको जनरल नॉलेज एंड हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज़ करना होगा, और ये आपकी कॉमन होगी, ठीक है, जनरल नॉलेज जो होगी वो आपकी कॉमन होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50-50 होंगे, एंड मार्क्स जो आएंगे इसके वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और 3 घंटे का ये पेपर होगा। ऐसे ही जो सेकेंड पेपर है उसमें क्या होता है कि जनरल एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, वो भी 50 का होता है, एंड सब्जेक्ट एबिलिटी जो होता है वो जो भी आप चूज़ करते हो इनमें से वो आपकी होती है, तो वो भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड जो होता है 50 क्वेश्चंस थे, एंड यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन, और जो मार्क्स हैं वो 100 है,
दोनों के, ठीक है। और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्ट ए है वो कंपलसरी है इन सेकंड पेपर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी के लिए ये पार्ट तो कंपलसरी होगा। उसके बाद जो पार्ट बी है ये वाला, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी अपना सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आर्ट है या साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है, राइट। तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा रखे हैं। और यहाँ पर भी जाके आप इस वेबसाइट पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ दिख जाएगा, इसका भी लिंक मैं डायरेक्ट आपको नीचे दे दूंगा वीडियो के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट डेट एक्सटेंशन वाला जो नोटिफिकेशन था, इस पर आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो है नोटिफिकेशन, ये 14 मार्च को ही आया है, ठीक है। ये जो रिलीज़ हुआ था ये नोटिफिकेशन, ये 14 मार्च को ही हुआ था, ठीक है, इसीलिए कम बच्चों को पता होगा। और ये अभी आप फिल इसे कर सकते हो अच्छी तरह, और यहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हो। और आप जो भी बीएड के बारे में जानना चाहते हो, वो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आप हमारी ऐप जो ये है, आप प्ले स्टोर में व्याख्या एडू सर्च कीजिएगा, तो आपको ये वाली ऐप मिलेगी। यहाँ पे आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, तो उसे भी फिल करके आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है। और आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, एंड इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं इस वीडियो में। तो इसके अंदर आपको और चीज़ें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे वो मैं आपको तुरंत की तुरंत बताता जाऊँगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पर हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यहाँ प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी, ये वाली टैट एंड बी एट ये वाली, ठीक है। तो इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन जितने भी नए नए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे पता लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और इसमें मैंने बीएड के बारे में बताया आपको। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ शेयर इसे ज़रूर कीजिए वीडियो को, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को पता लग जाए इसके बारे में, ठीक है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, राइट।